ढेर सारी सब्जियां डालकर और कम तेल में फटाफट बना हुआ कुछ हेल्दी और टेस्टी नाश्ता अगर मिल जाए तो बात बन जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, जिसमें हम ढेर सारी सब्जियां डालेंगे और बहुत कम तेल में बनाएंगे, जो बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बाउल में 2 कटोरी अरवा चावल लेंगे। यहाँ पर मोटा महीन कोई भी चावल ले लीजिए या फिर टूटा हुआ चावल भी ले सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे आधी कटोरी मूंग की दाल। मूंग की दाल डालने से इस नाश्ते का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये नाश्ता सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो आप चाहे तो दाल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से धुल लेंगे। अब इसमें लगभग 3 कटोरी पानी डालकर 2 से 2.5 घंटे के लिए भिगा देंगे, जिससे दाल और चावल अच्छे से फूल जाए। तो अब देखेंगे दाल चावल दोनों अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब इसका पानी अलग कर लेंगे। इसको तो मिक्सी जार में डालेंगे और जरूरत के अनुसार पानी डालकर एकदम महीन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इसको बाउल में खाली कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर जार में लगे हुए पेस्ट को निकाल लेंगे। इसका घोल ना बहुत ज्यादा पतला रखेंगे और ना बहुत ज्यादा गाढ़ा। अब इसमें हम ढेर सारी सब्जियां ऐड करेंगे। जितनी ढेर सारी सब्जियां इसमें ऐड करेंगे, ये नाश्ता उतना ही ज्यादा हेल्दी होगा। 2 से 3 टेबल स्पून फाइनली चॉप ब्रोकली, लाल गाजर, आप अपनी पसंद अनुसार सब्जियां कम ज्यादा ऐड कर लीजिए, ऑरेंज गाजर, और जो सब्जियां नहीं पसंद है उनको स्किप कर दीजिए, अपनी पसंद अनुसार दूसरी सब्जियां भी ले सकते हैं, फूल गोभी। सारी सब्जियों को फाइनली चॉप करके फिर ऐड करेंगे। ताजे मटर का सीजन है तो थोड़ा सा ताजा मटर भी फाइनली चॉप करके डाल दे रही हूँ। पत्ता गोभी। सब्जियों की मात्रा जितनी ज्यादा रखेंगे ना, ये नाश्ता उतना हेल्दी बनेगा और टेस्ट भी बढ़ जाता है। प्याज, प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए। 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक, और लगभग 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला में भी नमक होता है तो उसी के हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। छोटे टुकड़ों में कटा हुआ 1 टमाटर, और टमाटर का बीज मैंने निकाल दिया है, सिर्फ ऊपर का भाग ली हूँ। थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। इसमें जो सब्जियां आपको पसंद हो वही सब्जियां लीजिए, जो नहीं पसंद हो उसको स्किप कर दीजिए। और मैं इसमें खूब ढेर सारी सब्जियां डाली हूँ, तो कोशिश कीजिए आप भी ढेर सारी सब्जियां डालिए, तो ये नाश्ता काफ़ी हेल्दी हो जाएगा और रंग बिरंगी सब्जियां देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, जिसकी वजह से बच्चों को भी देंगे तो बच्चे भी पूरा फिनिश कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। बैटर ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाहिए और ना बहुत ज़्यादा पतला। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस पर एक पैन चढ़ाकर हल्का सा इसको ग्रीस कर लेंगे। अब ये बैटर एक बार फिर से अच्छे से चला लेंगे और इसको पैन पे डालेंगे। बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे, इस तरह से करके थोड़ा पतला कर लेंगे। अब इसको लो फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट के बाद देखेंगे हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तो इधर से भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और अब इसको पलट देंगे। बहुत आसानी से ये पैन से अलग हो जाता है और कुछ सेकंड के लिए इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए इसको सेक लेंगे, जिससे सब्जियां अच्छे से पक जाए और थोड़ा सा कलर भी आ जाए। बहुत अच्छे से ये सिक चुका है, इसी तरह से बाकी का भी बना लेंगे। दोस्तों, आप अगर कम तेल में बना हुआ कुछ हेल्दी टेस्टी खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी हमारा ये नाश्ता फटाफट बनकर तैयार हो गया है। इसको आप बच्चों को टिफिन में देंगे तो बच्चे पूरा टिफिन फिनिश करके आएंगे, और आप चाहे तो इसको अपनी पसंद अनुसार लाल या हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और चाहे तो ऐसे ही खाएं, ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो दोस्तों, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया रेसिपी है और बहुत कम तेल में बनकर तैयार हो जाती है। दाल डालने की वजह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनती है और ढेर सारी सब्जियां हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, तो खाने में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है।
इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये मज़ेदार रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।